अस्सलाम वालेकुम माय प्यार यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यम्मी क्रिएशंस। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी मदर के घर पर आई हुई हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है आते ही। और सबसे खूबसूरत चीज़ मैंने कहा आपसे क्यों ना शेयर करूँ मैं अपनी मदर का शौक, जो कि हमारी मदर का बहुत ही खूबसूरत गार्डन जो उन्होंने इतने प्यार से बनाया है। ये उनको बहुत शुरू से ही इस गार्डनिंग का बहुत शौक था। तो और ये चीज़ जो है इनहेरिटेड होती है आगे वाली जनरेशन में, जैसे कि हम बहनों को भी बहुत ज़्यादा शौक है इस गार्डनिंग का, तो ये हमें हमारी मदर से ही मिला है। और उसके बाद आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये उनके खूबसूरत उन्होंने वेजिटेबल्स कितनी खूबसूरत, और ये बहुत छोटे छोटे उन्होंने पौधे लगाए थे और बहुत ही अच्छे ग्रो किए हैं और वेजिटेबल्स भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं आपके साथ वेजिटेबल्स जो है इनकी शेयर करूँगी। जो लोग इसका शौक रखते हैं उन्हें को पता है कि ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती हैं, इनका क्या मोल होता है और ये कितनी कीमती होती हैं। और जो शौक रखते हैं वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले जुकीनी कितनी खूबसूरत यहाँ पे, ओ माय गॉड मामा, यहाँ पे मेरी मदर मेरी वीडियो बना रही है और ये कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से ज़मीन के साथ लगी हुई हैं। चेक करें आप, इतनी हेल्दी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और विदाउट एनी सप्लाई ऑफ एनी स्प्रे, क्योंकि जो आप बाहर से लेकर आते हैं उनकी स्प्रे हुई होती है। और माशाल्लाह से इसकी जो ग्रोथ है वेजिटेबल्स की, ये देखिए आप, जो ये ख्याल रखते हैं उन्हीं को ही पता है कि वो कितनी प्यार से सजोते हैं ये गार्डन, और आगे से उसकी जो फल आता है और जो सब्ज़ी आती है वो कितनी ही प्यारी बनती है। यहाँ पे भी ये हेलोपिनियोज हैं, और यहाँ पर ये वाली है स्पाइसी वाली चिलीज़, और ये है लाइट वाली चिलीज़, ये भी बहुत सारी ग्रो की हुई हैं। और जो ये इतना बड़ा, ये बहुत छोटा लेके आई थी, जैसे मुझे मदर मुझे भी दिखाती थी वीडियो में, बहुत छोटा लगा के लगाया था। ये है पम्पकिन की, कितनी ग्रो कर गई मामा, ये बहुत छोटा था ना जो आप लेकर आई थी, और ये छोटे छोटे लगे हुए, छोटे छोटे लगे कहाँ पे, वो आगे आगे लगे, वो असल में अब देखेंगे नहीं, वो छोटे छोटे हैं बहुत, अभी शुरू हुए हैं लगने, लेकिन ज़्यादा फूलों से भरी पड़ी है। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये हैं टमाटर, और ये राउंड वाले टमाटर भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ग्रो किए हुए हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे धूप निकलेगी और ये ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। और मेरी मदर जो हैं विंटर, जैसे ही समर स्टार्ट होता है उससे पहले ही ये वेजिटेबल्स लगा लेती हैं। यहाँ पर है और भी टमाटर कुछ, और बीच में जो ये कितनी खूबसूरत सी यहाँ पे सैम्पल्स लगाए हुए चीज़ों के, सोलर लाइट्स हैं खूबसूरत सी। और यहाँ पे देखें आप, ये थोड़ी सी यहाँ पर इस साइड पे है पुदीना, और इस साइड पे है ये खीरा, और खीरा भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा जो ज़मीन पे लगने वाला है। हाँ ये वाली बड़ी वाली है, बड़ी शिमला है, और साथ में ये भी टमाटर, और ये स्टैंड बहुत मज़ेदार है उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब इतने प्यार से वेजिटेबल्स लगाई जाती हैं तो उसको अच्छे से सपोर्ट करने के लिए भी कितनी खूबसूरती, अपने बच्चों की तरह ही गार्डन को हमारे रखा हुआ है बहुत प्यार से। अब इस साइड पे आते हैं, इस साइड पे ये है बैंगन लगे हुए हैं बहुत सारे, देखें ज़रा आप, वो माशाल्लाह अंदर भी देखें, ओ एक और बैंगन और ये बड़े माशाल्लाह, इसका साइज़ देखें आप, ये तो अभी उतारेंगे और इसका या तो भरता बनेगा या पकौड़े बनेंगे, आई थिंक मामा पकौड़े बनाएंगे, बहुत मज़ेदार। वाइट वाला, ये वाला नीचे, ओ ये देखिए लॉन्ग वाले, अच्छा पहले ये कलर होता है उसके बाद ये पर्पल में चेंज हो जाता है, नहीं 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 ये वाइट ही रहेंगे और ये पर्पल रहेंगे। अच्छा ये दो डिफरेंट काइंड्स के, मैंने तो कभी भी वाइट नहीं देखा, हमेशा यही देखा है, लेकिन ये वाइट अच्छा खूबसूरत है, तो ये वाइट वाले भी ऐसे बनेंगे जैसे पर्पल बनते हैं, लेकिन अभी तो हमने खुद पहली बार इनको लगाया। ये कुकुम्बर, ये कुकुम्बर, ओ कुकुम्बर यहाँ पे भी लगाए हुए हैं और बैक साइड पे भी हैं इसके बहुत सारे, ये छोटे वाले कुकुम्बर और ये बड़े वाले, ये बड़े वाले, और जो मैंने पहले दिखाया था वो तो जमीन पे था माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत। ये देखा, अब आज चलो कुछ वेजिटेबल्स आज हम तोड़ते हैं, और अब मैं करने लगी हूँ इन जो पकी हुई वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट, तो अपनी वेजीज की हार्वेस्ट यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जुकीनी से। ये देखें आप माशाल्लाह सबसे पहली वेजिटेबल, और यहाँ से हम लेंगे दूसरी, आप देखिए कितनी बड़ी, वो पौधे के अंदर ही रख लो, चलो ये देखिए आप दूसरी भी हमने तोड़ ली, और साथ में अब और हम लेते हैं यहाँ पे ग्रीन चिली, निकाल ग्रीन चिलीज लेते हैं, इसको तो हम हाथ से ही तोड़ेंगे, सारी ना निकालना, सिर्फ टू, ये वाली नीचे से, नीचे से यहाँ से हम लेंगे, इधर वाले से एक आध, इधर से ले लो ग्रीन, ये पीछे से, पीछे से निकालो ये वाली, ये बड़ी वाली, ये लो ये वाली, ये वाली, ये वाली, हाँ लाइट,
और एक और बस काफ़ी है। अच्छा, इधर ना शलजम भी लगे हुए थे, वो आपने वो भी निकालने हैं क्या? ये इसमें इस पौधे में इसमें यहाँ से ये मैंने फर्स्ट टाइम अपने हाथ से शलजम निकाला है। उफ, कितना प्यारा है माशाल्लाह। में एक और भी है। अच्छा, एक और है मुझे लग रहा है। हाँ जी, नज़र आ रहा है, ये देखें, एक और शलजम निकल आया इसमें से। तो अब घर की वेजिटेबल से तो पूरे की पूरी एक टाइम का सब्जी बन जाएगी। आप ये देखें, इतनी सारी वेजीज है माशाल्लाह से, कि वो जो बास्केट थी वो छोटी पड़ गई, तो मैंने अंदर से एक बड़ी वाली मंगवाई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी वेजीज। अब हमें यहाँ से जल्दी से काटूंगी क्यूकम्बर, जो कि इतना बड़ा आ रहा है माशाल्लाह। देखिए, बिस्मिल्लाह, ओ माशाल्लाह, घर की सब्जी क्या ही बात, ऑर्गेनिक वेजिटेबल। और यहाँ से अब मैं एक और मुझे शलजम नज़र आ रहा है बैक साइड पर, तो उसको हम हाथ से निकालेंगे। ये देखिए आप, ये उससे सबसे बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा शलजम है। ये देखिए आप, कितना बड़ा माशाल्लाह। ओ चलिए, ऐसा होना चाहिए पिक्चर। मेरा भी दिल खुश कर दिया है। कितने रेड है माशाल्लाह, कितने रेड। अब मैं करने लगी हूँ वाइट वाला बैंगन हार्वेस्ट, जो कि माशाल्लाह से हो चुका है कट। और यहाँ से एक और क्यूकम्बर लेंगे, तो चलें। और यहाँ पे मेरी बदाने लगाई हैं ये मज़ेदार सी बीन्स। मैंने हमेशा मार्केट से बीन्स खरीदी हैं, कभी भी मैंने घर पे लगी हुई नहीं देखी, आज लाइव ये भी देख लें। टोटल ये वेजिटेबल सारी की हुई है आज हार्वेस्टिंग, तो कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से, और क्या ही बात है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की। हे भाई, अपनी पॉप्सिकल्स एंजॉय कर रहे हैं, और मौसम बहुत गर्म है, 35 डिग्री है अमेरिका में, तो बस ये थोड़ी देर के लिए बाहर आए हैं और उसके बाद फिर ये अंदर जाएंगे। ये है फ्रेश पॉप्सिकल्स, और ये फ्रूट से बनी हुई हैं, इसमें कोई शुगर एडिड नहीं है, और ये बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। तो आज हिबा इब्राहिम ने ली है स्ट्रॉबेरी वन। मैंने लगी हूँ मसाज, ये है मसाज चेयर, जो कि सफ़र की थकावट के बाद ये आपको पूरा मसाज करती है, पूरी आपकी बैक को, लेग्स को, और आपके पूरे आर्म्स को, इवन दो हेड से लेकर पाँव तक फुल आपको रिलैक्स कर देती है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, ये इसका रिमोट कंट्रोल है, तो मैं इसको ऑन करती हूँ, फिर लूँगी मसाज यहाँ से। नूडल्स खा रहे हैं, अब जो शाम हुई है तो हम लोग जा रहे हैं घर के पास, एक खूबसूरत पार्क है, वहां पर बच्चे अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे और फिर आते हैं वापस, क्योंकि इधर दिन में मौसम काफ़ी गर्म है और शाम होती है तो दिल करता है कि हम कहीं बाहर निकलें, और दिन में तो बाहर निकला ही नहीं जाता, इतनी गर्मी फील होती है। ये है हिबा ले रही, ये इब्राहिम जा रहे हैं, चलो आओ, ओके आ जाओ। यहाँ से चलते हैं ऊपर, हाय अम्मा।
चलो हम यहाँ से चलेंगे। इब्राहिम कहाँ है? इब्राहिम वो दूर अपने फ्रेंड्स साथ खेल रहा है। प्यारी कलरफुल सी है ना ये स्टेप्स। ये बिल्कुल पजल एरिया है। आगे भी जा सकते हो ये स्टेप पर स्टेप, या फिर ये मम्मा यहाँ से जा सकते हो। हिबा इब्राहिम के जो मामू हैं वो भी फन कर रहे हैं अपने स्विंग पे। इब्राहिम को यहाँ पर एक फ्रेंड मिल गया है, उसके साथ इब्राहिम अब स्लाइड लेगा। हेलो इब्राहिम, ओ व्हाट्स योर नेम? व्हाट? ईसा। ओ ईसा एंड ही इज इब्राहिम। ही इज इब्राहिम, हिज नेम इज इब्राहिम। That's a nice name. Oh, your name is also very nice. And you are so cute. Thank you. Here we go. शाम को मम्मा अपने प्लांट्स को दे रही हैं पानी, और ताकि ये भी रहें फ्रेश फ्रेश। इसी के साथ भी करती हूँ वीडियो को एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इन माय क्रिएशंस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।